फोर बच्चों कर लिया था, अब फाइव के ऊपर आ जाओ। फाइव भी बिल्कुल इसी किस्म का क्वेश्चन है जो अभी आपने थ्री किया। फाइव में क्या लिखा हुआ था, प्रोबेबिलिटी दैट अ फैक्ट्री विल लोकेट इन द साइट एरिया ऑफ हैदराबाद। प्रोबेबिलिटी के कोई फैक्ट्री हैदराबाद में लोकेट हो, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.7। मतलब काफी चांसेस है कि आप आराम से कर सकते हो लोकेट उसको। द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लोकेट इन नूरियाबाद, नूरियाबाद में कोई आपने फैक्ट्री लोकेट करनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है। मतलब कम चांसेस हैं कि आप लोकेट कर सकते हो, मसले होंगे को खैर। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लोकेट इन आइदर, मैंने बताया था ना आइदर मतलब ए यूनियन बी कंडीशन होती है कि आइदर हैदराबाद में हो और नूरियाबाद में हो और बोथ में हो, सब कंडीशन आ जाती है इसके अंदर। तो मतलब ये यूनियन का दिया है हमें कि एच यूनियन एन, इसका मतलब क्या होता है, या तो हैदराबाद में हो जाए या नूरियाबाद में हो जाए या दोनों में हो जाए, तीनों कैटेगरी कवर हो जाती है। तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.8 है। अच्छा जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फैक्ट्री विल लोकेट इन बोथ प्लेसेस। सबसे पहला पार्ट है बोथ प्लेसेस के अंदर लोकेट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। बोथ प्लेसेस का मतलब हैदराबाद में भी हो साथ साथ नूरियाबाद में भी हो, इंटरसेक्शन का केस है, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये चीज निकालनी है, एच इंटरसेक्शन एन, ये मालूम करना है। एच इंटरसेक्शन एन का मतलब कि जो फैक्ट्री है वो हैदराबाद में भी लोकेट है, वो फैक्ट्री नूरियाबाद में भी लोकेट होगी, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, ये आपको सवाल भी बता रहा है, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव अगर होते तो इन दोनों का सम यूनियन के बराबर होना चाहिए था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो होते हैं उसमें होता है ना कि यूनियन बराबर होता है, दोनों को सम करो, तो 0.7 0.4 को सम करो 0.11 आ रहा है, तो वो तो इसके बराबर है ही नहीं, वैसे भी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर नहीं होती उससे। तो यहीं से आप यहीं से बात आप समझ सकते हो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। और अगर कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है तो आप उसको किस तरह निकालते हो, अच्छा अगर कोई इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो वो डिपेंडेंट भी हो सकता है, वो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। अब आपको नहीं पता कि वो डिपेंडेंट है या वो इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि आपको डिफरेंट मेथड देख लो, डिफरेंट मेथड आपको यहां पे बता। अब आपको तो एक्जेक्ट नहीं पता ना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बच्चे यहां पे बोल सकते हैं सर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लें, तो कहने का मतलब ये है, एक सेकेंड, सही उस तरह कर तो लोगे, लेकिन कहने का मतलब यहां पे ये कि आपको नहीं पता ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है या डिपेंडेंट इवेंट्स है, क्या डिपेंड कर रहे हैं दूसरे के ऊपर या नहीं डिपेंड कर रहे हैं। तो जब आपको नहीं पता है क्लैरिटी, तो आप जो दूसरा फॉर्मूला जो है वो आप यूज करो, ये वाला फॉर्मूला मल्टीप्लाई करना उस तरह यूज करते हो जब आपको डेफिनेट पता हो कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। अच्छा, तो आप किस तरह निकालोगे, आप इस तरीके से निकालोगे कि अच्छा ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले हम एक इक्वेशन कंसिडर करते हैं। ये बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन एन। आपको इसी निकालिए, इसको उठा के धर लिया और इसको उठा के धर ले जाओ, ठीक है। अब जरा पुट कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या है, 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ नूरियाबाद में 0.4 माइनस यूनियन की 0.8 है, तो ये हो जाएगा 0.3। तो 0.3 प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों में हो। आप ये चेक भी कर सकते हो कि यहां पे ये इंडिपेंडेंट नहीं है, क्यों, इंडिपेंडेंट अगर होते तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 0.7 को 0.4 से करोगे तो 0.28 आंसर आएगा, और आपका आंसर 0.3 आ रहा है इस वाले फॉर्मूले से। तो ये बात आपको बता रही है कि इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट होते तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला आपको सेम आंसर दे, जैसे पहले वाला। उसके बाद लिखा हुआ है कि इन नाइदर ऑफ दीज प्लेसेस, अगेन मैंने बताया था नाइदर का मतलब यूनियन का आप कॉम्प्लीमेंट ले लो, नाइदर का मतलब ना इसमें हो और साथ साथ उसमें भी ना हो, ठीक है, ये सब कैटेगरीज के अंदर आती है। तो नाइदर ऑफ दीज टू प्लेसेस, ठीक है, तो इसको कैसे निकालोगे, सिंपल, यूनियन का आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है, यूनियन क्या है, पी एच यू एन, इसका कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, एच यूनियन एन के बराबर होगा। उसकी प्रोबेबिलिटी आपको पता है एच यूनियन की 0.8 थी, तो 0.2 प्रोबेबिलिटी है
कि ना वो एच के अंदर हो लोकेट फैक्ट्री, ना नूरियाबाद में हो फैक्ट्री आपकी लोकेट, और 0.3 प्रोबेबिलिटी है कि इन दोनों प्लेसेस पे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये सवाल भी हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ऑफ द स्टूडेंट्स अटेंडिंग अ लेक्चर, थोड़ा मुश्किल है, 50% could not see what was being written on the blackboard. इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, इनको मैं डिफाइन, देखो इनको मैंने डिफाइन नहीं किया था, H N को मैंने नहीं बताया था, यहां पे डिफाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो यहां पे आप जरा शुरू में डिफाइन कर दो, लेट इवेंट S में नाम दे देता हूं कि could not see, जो देख नहीं सकते, मतलब ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते। फिर मैं इवेंट एक एच डिफाइन करता हूं, कुड नॉट हियर, ऐसे बच्चे जो देख नहीं, जो सुन नहीं सकते, ठीक है। और उसके बाद एक और कैटेगरी क्या है, इनटू बोथ ऑफ दिस कैटेगरी। तो आप ये कह लो एस इंटरसेक्शन एच का मतलब कुड नॉट सी एंड हियर, कि देख भी नहीं सकते और साथ साथ सुन भी नहीं सकते, ये सब मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब जरा मैं डाटा बनाता हूं, ये बात आपको एंड पे समझ आएगी क्यों मैंने इस तरह लिखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मतलब ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 50% डिवाइड बाय 100 करो, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट होगा, प्रोबेबिलिटी है 1/2। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ वो बच्चे जो देख नहीं सकते, सॉरी सुन नहीं सकते, वो है 40% डिवाइड बाय 100 करो, डेसिमल में आ जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा 4/10 2/5। तो जो बच्चे सुन नहीं सकते प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब आपने किसी बच्चे को उठाया ना, मतलब एक स्टूडेंट है सारे क्लास में, आपने किसी रैंडम बच्चे को पिक किया, तो 50% चांसेस है कि वो बच्चा देख नहीं सकता होगा, 40% चांसेस है कि वो बच्चा सुन नहीं सकता होगा, ठीक है। और इसकी भी चांसेस देखे मैं 30% कि 30% चांसेस है कि जो आपने बच्चा पिक किया है वो देख भी नहीं सकता होगा और वो सुन भी नहीं सकता होगा। तो ये क्या हो जाएगा 3/10 मतलब 30% चांसेस है इस चीज के भी। अब करना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, सॉरी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट पिक एट रैंडम, कि आपने एक स्टूडेंट को पिक किया, वॉज एबल टू सी एंड हियर सेटिस्फेक्टिवली, ट्रली टेरिली, कि आप ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि आपने एक स्टूडेंट को पिक किया, वो देख भी सकता है एंड हियर लिखा हुआ है, और वो सुन भी सकता है, मतलब इसको लिखेंगे कैसे, इस बात को जरा गौर से समझना, कुड सी एंड हियर, कि वो देख भी सकता हो, और देखो अभी जो है ना वो कुड नॉट की गिवन थी, कि 1/2 प्रोबेबिलिटी कि वो देख नहीं सकता होगा, आपने जो निकालना आपने निकालना है कि वो देख सकता भी हो और साथ साथ सुन भी सकता हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या, मतलब आपको ये चीज निकालनी है सिंपल लैंग्वेज में, क्या मतलब है इसका। S प्राइम का मतलब क्या होगा, S का मतलब है कि वो देख नहीं सकता, S प्राइम का मतलब वो देख सकता होगा, H प्राइम का मतलब वो देख सुन नहीं सकता, H का मतलब कि वो सुन नहीं सकता, H प्राइम का मतलब वो सुन सकता होगा, तो S प्राइम का मतलब वो देख सकता है, H प्राइम का मतलब वो सुन सकता है, इंटरसेक्शन का मतलब वो दोनों काम कर सकता है। तो आपको जो यहां पर निकालना है ना वो ये चीज निकालनी है, और ये इतनी मुश्किल नहीं है, आप निकाल सकते हैं। अच्छा पहली बात अगर आप ऑब्जर्व करो कि यहां पे क्या ये डिपेंडेंट इवेंट है या इंडिपेंडेंट है, ये जरा देख लेते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है मेरे ख्याल में, क्यों, क्योंकि अगर आप इन दोनों को, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 3/10 ना, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 1/5, आंसर 3/10 आ रहा है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, पहली चीज। अब आप क्या करोगे यहां पे, आपके पास करने का एक ही तरीका है कि आपको पता है ये वाली चीज जो है ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, S यूनियन H का कॉम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन, S यूनियन H कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, S कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन H कॉम्प्लीमेंट। तो आप यहां पे सबसे पहले S यूनियन H निकालो, बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना, आपको जो चीज निकालनी है वो मिल जाएगी। अब सवाल है कि S यूनियन H आप कैसे निकालोगे यहां, तो बहुत इजी फॉर्मूला है S यूनियन H निकालने का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S यूनियन H का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ S प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एच। तो यूनियन के निकालना कोई बड़ी बात नहीं है,
एस की प्रोबेबिलिटी निकालो, एस की प्रोबेबिलिटी है 1/2, एच की प्रोबेबिलिटी है 2/5 और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 3/10। तो सॉल्व करो बच्चों, यहां पे एलसीएम आएगा 10, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 - 3, 6/10 जो कि बराबर होता है 3/5। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी, एस यूनियन एच का मतलब क्या है, एस यूनियन एच का मतलब है कि आपने को बच्चा पिक किया, या तो वो बच्चा देख नहीं सकता होगा या वो बच्चा सुन नहीं सकता होगा, और की कंडीशन है कि यूनियन निकाले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 3/5। समझो, या वो बच्चा देख नहीं सकता होगा, या वो बच्चा सुन नहीं सकता होगा, या ना देख सकता होगा ना सुन सकता होगा। यूनियन में तीन कंडीशन आती है ना, ना वो देख सकता होगा, या वो ना सुन सकता होगा, या वो दोनों नहीं कर सकता होगा, मतलब ना देख सकता होगा ना सुन सकता होगा। जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो इसका अपोजिट क्या होगा कि वो देख भी सकता है वो सुन भी सकता है, क्योंकि इसमें ऐसे बच्चे हैं कि जो देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते हैं। जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो वाले बच्चे आएंगे जो देख भी सकते होंगे और साथ साथ वो सुन भी सकते होंगे, ठीक है। और कैसे आएगा वो कॉम्प्लीमेंट आएगा, और ये चीज मैंने बताया था आपको ही सवाल में निकालनी थी, कैसे बच्चे चाहिए जो देख भी सकते हो, कुड सी एंड साथ साथ हेयर भी। तो आप जस्ट क्या करो यहाँ पे, आप इसका यूनियन निकाल, कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यूनियन एच, ये हो जाएगा 1 - एस यूनियन एच की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/5, तो आंसर हो जाएगा 2/5। ये है आपकी प्रोबेबिलिटी, मतलब 2/5 मतलब 40% प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप किसी स्टूडेंट को पिक करो वो देख भी सकता होगा वो सुन भी सकता होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, काफी इजी सवाल है, बार बार जो मैंने डिस्कस किया वही मेरा कॉन्सेप्ट है, द प्रोबेबिलिटी दैट इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट इन टैक्स फ्री बॉन्ड, कि प्रोबेबिलिटी कि वो टैक्स फ्री बॉन्ड में इन्वेस्ट करे इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है, प्रोबेबिलिटी दैट ही विल इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल इन्वेस्ट इन बोथ, मतलब एंड की कंडीशन है कि टैक्स फ्री में भी करे एंड म्यूचुअल फंड में भी करे, तो इंटरसेक्शन है 0.15। करना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन आइदर टैक्स फ्री बॉन्ड और म्यूचुअल फंड बॉन्ड। तो मैंने बताया ये जो आइदर की कंडीशन होती है ये होती है, मैं लिख देता हूं, आइदर इन टैक्स फ्री और म्यूचुअल फंड, ठीक है। अच्छा जी, कैसे निकालोगे आप इसको, फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी यूनियन एम किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, भाई जाहिर सी बात है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तो नहीं है ना कुछ तो कॉमन आ रहा है इनके दरमियान, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटरसेक्शन एम। क्या ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है उसको कैसे पता चलेगा, आप 0.6 को 0.3 से मल्टीप्लाई कर देना, अगर आंसर इसके बराबर आ रहा होगा तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट है, अगर नहीं आ रहा होगा तो इसका मतलब डिपेंडेंट है। तो टी की प्रोबेबिलिटी है 0.6, एम की प्रोबेबिलिटी 0.3, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.15, तो ये हो जाएगा 0.75। ये आपकी प्रोबेबिलिटी कि या तो टैक्स फ्री में करेगा या म्यूचुअल फंड में करेगा, ये आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई। अच्छा जी, पार्ट नंबर 2 में क्या नाइदर होगा, तो बड़ा इजी होगा तेरे को, इन नाइदर टैक्स फ्री नॉन म्यूचुअल फंड, कि ना उसमें करे ना उसमें करे, तो वही मैंने बताया बहुत दफा कि जो नाइदर की कंडीशन है लिख देना पूरा, नाइदर इन टैक्स फ्री एंड नॉन म्यूचुअल फंड जो भी है लिख देना इसमें, और ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी यूनियन एम का इंटरसेक्शन बराबर होगा टी यूनियन एम, ये हो जाएगा 1 - 0.75 जो कि बराबर होता है 0.25 के, तो बच्चों ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब आखिरी सवाल रह गया है, इन अ कॉलेज 11 इन अ कॉलेज ग्रेजुएटिंग क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट, तो सबसे पहली बात नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने यहां पे, भाई 100 है, 54 स्टडी मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अच्छा इनको सिंबल का दे देते हैं काम आ जाएगा, कि सैंपल में से टोटल 100 स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीड मैथमेटिक्स
एन एम कह देते हैं फॉर एग्जाम्पल, कितने है भाई 54 है। फिर क्या लिखा हुआ है 69 स्टडी हिस्ट्री, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीड हिस्ट्री, एन एच कह देते हैं कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है 69 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, एंड 35 स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी मैथ एंड हिस्ट्री। तो अब इसको इस तरह लिखोगे के एम इंटरसेक्शन एच, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं भाई 35 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने दोनों पढ़े। अच्छा जी, इफ वन ऑफ दिस स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, क्या आपने एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट टेक्स मैथमेटिक्स और हिस्ट्री, तो यूनियन वाला केस आ गया, बहुत इजी है पहचानना। तो मैथमेटिक्स और हिस्ट्री, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, यूनियन का केस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ यूनियन एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एच। तो मैथ पढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या है 54 स्टूडेंट है डिवाइडेड बाय टोटल, हिस्ट्री की 69 स्टूडेंट डिवाइडेड बाय टोटल, और वो है 35 स्टूडेंट डिवाइडेड बाय, ऑब्वियसली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है यार, क्योंकि 54 को जब 69 में ऐड करोगे तो 100 से ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ऐसे भी स्टूडेंट है जो पढ़ रहे हैं साथ, इंटरसेक्शन भी आ गया आपके पास, उसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और डिपेंडेंट है या नहीं डिपेंडेंट वो डिपेंड करेगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लो इन दोनों को, अगर ये इसके बराबर आ रहे हैं नहीं आएंगे मैं इसके बराबर, अगर इसके बराबर नहीं आ रहे इसका डिपेंडेंट वाला केस है, इस तरह पहचान सकते हो। तो बहरहाल सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा 54 प्लस 69 माइनस 35, तो अल्लाह आप सब लोगों का भला करे, ये हो जाएगा 34 आई गेस, तो 58 है मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक, 88 अपॉन 100 आंसर आ रहा है, और 88 अपॉन 100 को अगर हम कैलकुलेटर में सॉल्व करें तो सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन है 22 अपॉन 25, एम यूनियन एच ये प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई। एहतियातन हम जरा वेरीफाई कर लेते हैं 11 7.5 का 11 है, 9 तक मेंशन किए हैं, बाकी आते नहीं होंगे इनको, खैर लेट्स सी, देख लेना मैंने इस बस कैलकुलेशन का ही ना देख लेना, कितना बड़ा मसला नहीं, चल ये भी मैं कर लेता हूँ भाई, 54 प्लस 69 माइनस 39 88 बिल्कुल सही है। तो भाई ये तो पहला वाला पार्ट हो गया, अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर, दूसरे वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, द स्टूडेंट डज नॉट टेक आइदर ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब नाइदर की कंडीशन दी हुई है कि स्टूडेंट जो ना पहला वाला सब्जेक्ट ले रहा है ना दूसरा वाला सब्जेक्ट ले रहा है, मतलब इन दोनों सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, सिंपल लैंग्वेज में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये था कि या तो वो एम ले लेगा या वो एच ले लेगा, प्रोबेबिलिटी 22/25 थी। नाइदर के केस में क्या होगी, सिंपल नाइदर का केस है, बाकी पूरा एक्सप्लेन कर देना जो पार्ट को लिखा होगा, हेडिंग बना के लिख देना वो। तो नाइदर के केस में क्या होता है, एम यूनियन एच का कॉम्प्लीमेंट, तो माइनस कर दो, ये हो जाएगा 1 माइनस 22/25, ये हो जाएगा 3/25। तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि ऐसे स्टूडेंट जो कोई एक सब्जेक्ट में नहीं पढ़ रहे, बहुत ही कम चांसेस हैं इसके, ठीक है। अब पार्ट थ्री क्या है, पार्ट थ्री में लिखा है द स्टूडेंट टेक्स हिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, स्टूडेंट टेक्स हिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। अब देखो ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना, ये जो एन एच है कि हिस्ट्री में बच्चे इतने पढ़ रहे हैं 69, तो उसका मतलब ये नहीं कि जो 69 बच्चे हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं वो कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे। इन 69 बच्चों में से दो कैटेगरी होगी, 69 बच्चों में से एक कैटेगरी वो होगी जो सिर्फ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और दूसरी कैटेगरी वो होगी जो हिस्ट्री के साथ मैथ भी पढ़ रहे हैं, ये दोनों कैटेगरी इसके अंदर होगी। तो अगर 69 में से आपको वो मालूम, ये 7.1 में भी आपने सवाल देखा था, 7.1 का दूसरा क्वेश्चन था ये, तो अगर आपने ऐसे बच्चे मालूम करने हो इन 69 में से कि जो सिर्फ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसको कैसे मालूम करोगे, तो फॉर एग्जांपल ऐसे बच्चे इसको डिफाइन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये इवेंट में इस तरह लिख देते हैं, लेट फॉर एग्जांपल इसको ए कर लो, ए इवेंट है कि स्टूडेंट टेक्स
हिस्ट्री बट नॉट मैथ। तो लेट कर लो कैसे स्टूडेंट जो हिस्ट्री ले रहे हैं लेकिन मैथ नहीं ले रहे, इनकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले मैं मालूम करो ये हैं कितने स्टूडेंट, मतलब नंबर ऑफ ए कितने हैं ये। तो बेटा निकालने का सबसे इजी तरीका है नंबर ऑफ एलिमेंट इन हिस्ट्री माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम इंटरसेक्शन एच। क्यों भाई? मैंने बताया था ये जो 69 बच्चे पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, इसमें दो कैटेगरी है, या तो वो हिस्ट्री ले रहे हैं या वो बच्चे हिस्ट्री के साथ मैथ भी ले रहे हैं। और हिस्ट्री के साथ जो मैथ ले रहे हैं मतलब वो दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और दोनों सब्जेक्ट कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? दोनों सब्जेक्ट 35 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप क्या करो, आप 69 में से जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले बंदे हैं इनको माइनस कर दो, 35 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, मतलब वो हिस्ट्री भी पढ़ रहे होंगे साथ साथ मैथ भी पढ़ रहे होंगे, तो टोटल बच्चे 69 पढ़ रहे हैं। उसमें से अगर आप 35 निकाल दोगे, ये 35 वो हैं जो हिस्ट्री पढ़ने के साथ मैथ भी पढ़ रहे हैं, अगर आप ये 35 निकाल दोगे तो जो पीछे बच्चे बचेंगे वो सिर्फ वही होंगे जो सिर्फ हिस्ट्री पढ़ते हैं, और वही आपको चाहिए कि जो हिस्ट्री पढ़ते हो और वो मैथ नहीं पढ़ते हो, सिर्फ हिस्ट्री पढ़ रहे हो। तो सिंपल इक्वेशन है, 69 में से आप माइनस कर दोगे 35 तो पीछे आपके पास बचेगा 34। तो ऐसे 34 बच्चे हैं जो मैथ और हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री पढ़ने मैथ नहीं पढ़ रहे। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी निकालने का, n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s, सिंपल सा केस है, 34/100 जब सॉल्व करोगे 17/50 आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 7 चैप्टर डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट हर चीज डिस्कस करके खत्म कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। अपना आप लोग बच्चों ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।